हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एनसी। सैमसंग और हुआवे ने अपना एक फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च कर दिया है। अब फाइनली मोटोरोला ने भी अपना एक फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च कर दिया है, जिसका डिज़ाइन मोटोरोला के फ्लिप फ़ोन की तरह है, जहाँ पे आपको ऊपर में डिस्प्ले, नीचे में कीपैड और इसके नीचे एक मोटा चिन्ह देखने को मिल जाता है। कुछ इसी तरह का डिज़ाइन मोटोरोला के फोल्डेबल फ़ोन में भी है, बट यहाँ पे कीपैड को हटा के आपको डिस्प्ले ही देखने को मिलता है, जो कि एक फोल्डेबल होगा। ये जो मोटोरोला का फोल्डेबल फ़ोन है, यहाँ पे आपको मिड रेंज स्पेसिफिकेशन ही देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला के फोल्डेबल फ़ोन के स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 6.2 इंच का OLED वाला फोल्डेबल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन दिया गया है। ऊपर की तरफ से आपको स्मॉल नॉच देखने को मिल जाता है, जहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा, और नीचे की तरफ से आपको मोटा चिन्ह देखने को मिल जाता है, जहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। जब आप इसे फोल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको 2.69 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 800x600 का है। अब बात करें इसके कैमराज के बारे में दोस्तों, तो जो इसका रेयर कैमरा वो आपको 16 मेगापिक्सल का है, और इसका फोकस 1.7 aperture का है। साथ ही यहाँ पे आपको डुअल LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। जो इसका फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का है, बट आप इसे जब फोल्ड करोगे तो यहाँ पे जो मेन कैमरा है उससे भी आप सेल्फी क्लिक कर पाओगे। अब बात करें इसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे जो मोटोरोला का ये फ़ोन है, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 710 का चिपसेट देखने को मिलेगा, विथ ऑक्टा कोर 2.3 GHz के प्रोसेसर के साथ। जो GPU है वो आपको एडेनो का 618 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही एंड्रॉयड 9 जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। रैम एंड रोम वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 6GB रैम एंड 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसके बैटरी के बारे में दोस्तों, तो मोटोरोला के इस फोल्डेबल फ़ोन में आपको काफ़ी कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 2510 mAh का बैटरी दिया गया है। साथ ही यहाँ पे आपको 15W का जो है टर्बो चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि USB टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। इसका जो है प्री ऑर्डर 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और इसका जो शिपमेंट है वो 9 जनवरी 2020 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 2020 जनवरी में आपको ये फ़ोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो 6GB रैम के साथ जो 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज होगा, इसका प्राइस आपको $1,499 पड़ेगा। अगर इसके इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो इसका प्राइस आपको 1,07,000 पड़ेगा। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो इसका स्पेसिफिकेशन है प्राइस के तहत, वो सही है या फिर नहीं। तो ये कुछ बातें थे मोटोरोला के फोल्डेबल फ़ोन से रिलेटेड। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एंड्रॉयड एनसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हमें मिलता है एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।